दो यूट्यूब चैनल है, एक है स्टडी IQ और एक है ध्रुव राठी। उनके हर एक वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल होता है। उनके वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिलता है। बट हम बात करने वाले हैं एडिटिंग के बारे में। उनका जो वीडियो होता है उसमें एक डिफरेंट तरह का मैप इफेक्ट, मैप एनिमेशन होता है, जो देखने के लिए बहुत ही कमाल का लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कैसे हम उस तरह का मैप एनिमेशन, मैप इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो जो मैप इफेक्ट है देख लेते हैं उसका छोटा सा डेमो। दोस्तों, जिस चीज का डर था पाकिस्तान में, आज सब कुछ वही हो रहा है। पाकिस्तान में आतंक का कहर अब अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ चुका है। दोस्तों, जिस चीज का डर था पाकिस्तान में, आज सब कुछ वही हो रहा है। पाकिस्तान में आतंक का कहर अब अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ चुका है। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज होपमैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं मैप एनिमेशन, मैप इफेक्ट लाइक ध्रुव राठी एंड स्टडी IQ। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले दो एप्लीकेशन। तो जो सबसे पहला है वो है अपना किनेमास्टर, और जो दूसरा है वो एक मैप एप्लीकेशन है जिसका नाम है ट्रू वर्ल्ड मैप। तो ये जो एप्लीकेशन है ट्रू वर्ल्ड मैप, वो आपको प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा, तो सिंपली वहां से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हम ये जो ट्रू वर्ल्ड मैप है उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो अभी हमारा जो एप्लीकेशन है ट्रू वर्ल्ड मैप वो ओपन हो गया, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है, जो कि बिल्कुल गूगल मैप की तरह दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, लेफ्ट साइड में 3 लाइन है वहां पर जाना। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना सेटेलाइट व्यू। तो हमारा जो इंटरफेस है, जो व्यू है, वो कुछ इस तरह का दिखने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी लोकेशन पर अगर आप टैप करोगे तो वहां पर एक कलर शो करेगा। जैसे कि अगर मैं इंडिया पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक कलर दिखाई दे रहा है। तो कहीं पर भी सिलेक्ट करोगे तो वहां पर एक कलर दिखाई देगा। बट जो भी कलर दिखाई दे रहा है वो कुछ ही सेकंड के लिए आ रहा है और चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, जो भी लोकेशन है उसको हम टैप करके रखेंगे। जैसे कि अगर हमें इंडिया को कलर करना है तो इंडिया को सिलेक्ट करना और टैप करके रखना। तो जैसे ही टैप करोगे तो वो कलर वहां पर परमानेंट आ जाएगा। और अगर इसको क्लियर करना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो नीचे एक ऑप्शन है क्लियर, सिंपली उसको सिलेक्ट करना, तो ये जो कलर है चला जाएगा। तो अभी हम दो कंट्री को सिलेक्ट करने वाले। तो सबसे पहला है पाकिस्तान और जो दूसरा है वो अफगानिस्तान। तो सिंपली इसे थोड़ा सा जूम कर लेना कुछ इस तरह। तो अभी हम क्या करेंगे, पाकिस्तान को टैप करके रखेंगे, इसके कुछ सेकेंड बाद अफगानिस्तान को टैप करेंगे, और इन सभी को अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उससे रिकॉर्ड कर लेना। इसके बाद हम चलते हैं सीधा किनेमास्टर में। तो अभी हम आ गए किनेमास्टर में। तो यहाँ पर मैं एक 16:9 रेशियो का प्रोजेक्ट को ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, अभी जो हमने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था मैप एनिमेशन का, उसको सिंपली यहाँ पर इम्पोर्ट करने वाले। तो सिंपली जाना मीडिया में, और जो भी हमने अभी स्क्रीन रिकॉर्ड किया था उसको सिंपली यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना। तो अभी हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो इम्पोर्ट हो गया है। तो सिंपली क्या करना, इसको सिलेक्ट करना, यहाँ पर जाना पेन एंड जूम में, और इसे कुछ इस तरह जूम कर देना। इसके बाद यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन है तो उसको सिलेक्ट करना, और यहाँ से बैक आना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ कट्स लगाने वाले थे। जैसे कि अगर यहाँ पर आएंगे हम पाकिस्तान पे, जैसे ही हम टैप करते हैं तो ये थोड़ा सा ब्लिंक करता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, जैसे ये कलर परमानेंट रहता है उस पॉइंट में वीडियो को सिलेक्ट करना, और यहाँ पर जाना ट्रिम एंड स्प्लिट, और इसे कर देना स्प्लिट। इसके बाद उससे पहले आना जहां पर पाकिस्तान कलर नहीं हुआ है, और यहां पर इसको कर देना ट्रिम, और जो बीच वाला पार्ट है उसको सिंपली यहां से कर देना डिलीट। तो अभी अगर इसको हम प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इतना होने के बाद थोड़ा सा आगे जाना, जहां पर हम अफगानिस्तान को टैप कर रहे हैं उसके थोड़ा सा आगे यहां तक, इसके बाद यहां पर सिलेक्ट करना और इसे कर देना स्प्लिट। इसके बाद यहां से पीछे आना यहां तक, और यहां पर भी कर देना इसे स्प्लिट। इसके बाद जो बीच का पार्ट है उसको सिंपली यहां से डिलीट कर देना। अब इसे हम प्ले करके देखते हैं। पहला पाकिस्तान कलर हुआ, फिर अफगानिस्तान कलर हुआ। तो इस तरह से अपना जो वीडियो है वो बन के रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम एनिमेशन को ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना, सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो यहां पर जाना, मैं इसको कर देता हूं एक्सपोर्ट। इसके बाद एक नया प्रोजेक्ट को ओपन करना, और अभी जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसको सिंपली वहां पर इंपोर्ट करना।
तो अभी एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, तो सिंपली क्या करना है, मीडिया में जाना और जो भी अभी हमने एक्सपोर्ट किया था उसको सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट करना था। तो सिंपली जाना मीडिया में और जो भी अभी हमने एक्सपोर्ट किया था सिंपली उसको इंपोर्ट कर लेना। तो अभी हमारा जो वीडियो है वो इंपोर्ट हो गया है, जो कि देखने के लिए कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो अभी इसमें हम ऐड करने वाले एनिमेशन, तो सिंपली क्या करना, यहाँ पर जाना, वीडियो को सिलेक्ट करना, यहाँ पर जाना पेन एंड जूम में, इसको थोड़ा सा जूम कर देना कुछ इस तरह, इक्वल टू को सिलेक्ट करना, इसके बाद जाना एंड पोजीशन में, फिर से इक्वल टू को सिलेक्ट करना और इसे कुछ इस तरह मूव कर देना थोड़ा सा जूम करके। अब इसे हम प्ले करके देखते हैं। तो अभी हमारा जो वीडियो है उसमें ये जो मैप इफेक्ट है वो भी ऐड हो गया और एनिमेशन भी ऐड हो गया, जो कि देखने के लिए बहुत ही कमाल का लगता है। तो यहाँ पर आप चाहे तो अपना फेस कैम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो अबाउट द मैप एनिमेशन, मैप इफेक्ट लाइक स्टडी आई क्यू एंड ड्यूरेबिलिटी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, एटलीस्ट वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर आप नए चैनल में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।